हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है, हमारी 7th क्लास है और हमारे अतीत सेकंड जो बुक है हिस्ट्री की, हम लोग उसको देख रहे हैं और उसी में हम लोग देख रहे हैं आपके दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अभी तक हमारे 2 लेक्चर हुए हैं। हम आपका तीसरा लेक्चर जो है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी तीसरे लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, देखा है कि दिल्ली में कौन कौन से शासक हुए हैं, किस प्रकार की उनकी व्यवस्था थी, तुगलकों ने किस प्रकार शासन किया, खिलजियों ने किस प्रकार शासन किया, क्या उनकी समन्वित योजनाएँ थी, किस प्रकार से वो अपना शासन चला रहे थे। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से उनको पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपकी चर्चा की है। आज हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमारा लेक्चर छूट गया था। इन 2 लेक्चर के दौरान जो आपने पढ़ा है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, किसी चीज़ का आपको रिविज़न कराना है, तो मेरे प्यारे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना कन्फ्यूज़न, अपना डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी, अगर आपका कोई डाउट है आप हमसे पूछिए टॉपिक से संबंधित, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो है अपने लेक्चर को अगर हम लोग बात करें प्रारंभ करने की, तो हम अपने लेक्चर को बच्चों आज यहाँ से प्रारंभ करेंगे। लेकिन प्रारंभ करने से पहले हम लोग एक बार वापस पीछे चलते हैं कि हम लोगों ने कहाँ से कंटिन्यू किया है और कितना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम देख रहे थे अंतिम रूप में सुल्तान महमूद तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो अधिकारी जन थे, उन सबके विषय में हम लोग अपनी विस्तृत से आपके चर्चा कर रहे थे। और उसी के साथ ही बच्चों हम लोगों ने मेनली बात की थी कि बेटों से बढ़कर गुलाम। हम देख रहे थे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलामों की क्या स्थिति थी, गुलाम किस स्थिति में थे, कैसी स्थिति में काम कर रहे थे, उनका सामाजिक तौर कैसा था, उनका प्रशासनिक राजनीतिक क्या उनकी महत्व थे, किस तरह से वो थे, हम उन सब पर अपनी बहुत अच्छे से आपकी चर्चा कर रहे थे। क्लियर है? इतना ध्यान रहना चाहिए आपको। आगे देखें दूसरा, फिर हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था जो मेन टॉपिक हमारा है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत शासन और समाकन, नजदीक से एक नजर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उन पर नजर रख रहे हैं कि जो आपके तुगलक थे और खिलजी थे उनका प्रशासन किस प्रकार रहा, उस सारे प्रशासन की हम लोग आपका बात कर रहे थे। चलिए वापस चलते हैं, समझते हैं, और आपको समझना होगा इन टॉपिक को। आप ऐसे ना लें कि बिल्कुल लाइट में लें इनको, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और जितना महत्व है आप उनको समझें कि हम पुरानी उन व्यवस्थाओं को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे आज से लगभग काफ़ी समय पहले थी, जो 12वीं सदी 13वीं सदी के बीच आपकी चल रही थी, जिनके आज भी भवन निर्माण बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे वर्तमान स्वरूप में यथार्थ रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो इन सब चीजों को, इन व्यवस्थाओं को हम जानने के लिए उनकी हम नींव तक पहुंचते हैं, उनकी जड़ों तक पहुंचते हैं, ताकि हम मूल पत्ती की पता कर सकें। देखते हैं सभी बच्चे, देखिए पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलकों ने भी शासन सेना नायकों से विभिन्न आकार वाले इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। देखिए जिस तरह से वो लोग शासन कर रहे थे, उसी तरह जो आपके खिलजी थे, जो आपके तुगलक थे, वो भी क्या करते थे, जो भी अलग अलग इलाके थे वहां पे उन सूबेदारों को क्या करते थे, आपका नियुक्त करते। ये इलाके इक्तादार इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी जन इक्तादार या मुफ्ती कहते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व। अब देखिए मुफ्ती का आपको मतलब समझ आया, ये क्या करते थे बच्चों, मुफ्ती व्यक्ति को समझे कि जो मुफ्ती पद था वो क्या था, जो आपके सैनिक अभियान होते थे उनका जो आपका नेतृत्व करता था, जो उनको लीड करता था और अपने एकताओं में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो व्यक्ति था उसको मुफ्ती कहते थे, मुफ्ती। अब देखिए किस तरह से एक व्यक्ति अपने यहाँ जो सैनिक अभियान होंगे उनको लीड करेगा, उन पर व्यवस्था बनाएगा, मैनेजमेंट रखेगा, उनका कानून बनाएगा, इस तरह की सारी चीजें वो आपका किया करता था। आगे देखिए, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। अब कह रहे जो आपके
मुफ्ती होते थे, ये क्या करते थे, जो अपने सैनिक थे उन सैनिक सेवाओं के बदले जो उनका राजस्व था उसको वसूलते थे, और वसूलने के बाद ही वो क्या किया करते थे, उनसे ही वो उनको जो तनख्वाह थी, जो सैलरी थी वो दिया करते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और इसे कोई इकता थोड़े थोड़े समय में ही मिल जाए। यानी कि आप देखिए, जो इतना महत्वपूर्ण पद संभाल रहा है उसको कंट्रोल करना भी तो राजा के लिए, शासक के लिए, सुल्तान के लिए जरूरी है, ठीक। तो उनके लिए उसने व्यवस्था की थी कि पद वंश परंपरा से ना चले। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर किसी का बच्चा मुफ्ती है तो उसके आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो भी सेम काम करेंगी, ऐसा नहीं था। अब देखिए, थोड़ा ऐसे समझिए, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरियां, इन्हें कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। कह रहे देखिए, जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था उन सारे नियमों का बड़े कठिनाई से, नौकरी के जो नियम थे उनका पालन किया था। देखिए, सेना को नगद वेतन देने वाला, सैनिकों का हुलिया यानी कि ड्रेस मटेरियल बनाने वाला, घोड़े को दागने की प्रथा चलाने वाला, सैनिकों को स्किल की ट्रेनिंग देने वाला, अपने शासन प्रशासन में बदलाव करने वाला सबसे अधिक प्रभावी शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और यही सब कारण थे कि उनने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया, और नगद वेतन उनको प्रोत्साहित किया और उनसे काम लिया, और यही कारण है कि उसने दक्षिण भारत पर विजय करने में सबसे ज्यादा सफल रहा। क्योंकि अगर जिसकी सेना को टाइम पे सैलरी मिलेगी, और उसने बाजार नियंत्रण पॉलिसी को भी बहुत अच्छा रखा कि बाजार में महंगाई ना हो, ताकि आम लोगों में और आम जनता में असंतोष ना फैले, सैनिक जन प्रभावित ना हो, इसलिए उनने व्यापार को और जो बाजार को बहुत करीब से नियंत्रण रखा। अब देखिए, मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्र किया गया राजस्व से ही रकम का हिस्सा निकालने के लिए लेखा जोखा अधिकारी नियुक्त किया गया था। अब जो टैक्स आता था, जो राजस्व उनको आता था, अब उस आपका राजस्व में जो वेतन है सिपाही का वो भी जाना था। अब जो रकम है उसका आपका हिसाब किताब भी रखना कि हम लोगों ने कितना खर्च किया है, कितना पैसा सैलरी के रूप में दिया है, कितना अन्य चीजों में खर्च हुआ, प्रशासनिक में कितना अधिकारियों ने अपने पास रखा, इस तरह के लिए लेखा जोखा करने के लिए जो एक अधिकारी था उसको अपॉइंट किया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या में अनुसार सैनिक रखें। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी टैक्स वसूल रहे हैं, अपनी मर्जी से सैनिक कम ज्यादा कर रहे हैं, नहीं, जितना उनको फिक्स किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आप जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है उसके द्वारा जो नियम कानून बनाए हैं वही मानक, वही अनुरूप आपके तय होंगे, उसके अनुसार ही सारी चीजें आपकी चलेंगी, वही सारी चीजें रहेंगी। क्लियर है? क्योंकि मेनली क्या था कि अगर टैक्स ज्यादा वसूला गया तो जनता में असंतोष आएगा और राजा क्या हो जाएगा, अपरिग्रह हो जाएगा। और जब जनता ही आपका विश्वास नहीं करेगी तो राज्य कैसा होगा, आपका कमजोर होना प्रारंभ हो जाएगा, और जब राज्य कमजोर होगा तो बहुत सारे बाह्य आक्रमण, आंतरिक टूट, और कितने सूबेदार सेनापति क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए उसने अपना शासन को बहुत अच्छे से चलाने की बात कही। आगे देखिए, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। आप देखिए, जब उन्होंने दूर दूर के क्षेत्रों पर अपने कब्जा किया तो जो उनके क्या थे, आपके सामंत थे, और कुछ अमीर क्या थे, आपके जमींदार थे, उन्हें क्या कर दिया, अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए उनको बाध्य कर दिया। किसने बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया गया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। और देखिए, इसमें क्या हुआ, जो अलाउद्दीन का खिलजी का शासनकाल था, जो आपका भू राजस्व जो आपका निर्धारित आपका कर दिया गया उसको वसूला गया, और इसमें भी जो स्थानीय सामंत थे उनसे भी क्या किया गया, कर अधिकार छीन लिया गया, बल्कि उन्हें भी क्या कर दिया कि वो भी अब क्या करेंगे, स्वयं कर चुकाएंगे।
और उनको बाध्य किया गया। अब देखिए थोड़ा सा समझिए आगे, सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। देखिए जो कह रहे हैं सुल्तान हैं, उन्होंने जो अपने प्रशासक हैं उनकी जमीनों की पैमाइश की कि कौन व्यक्ति कितनी जोत कर रहा है, उस जोत के रूप में उसको कितना टैक्स बनेगा, कितना राजस्व हमको वसूलना है, ठीक, उसके लिए उन्होंने पूरी पैमाइश की और बड़ी सावधानी से उसका हिसाब भी रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय तीन तरह के कर थे, पहला कृषि पर जिसे खैराज कहा जाता है। देखिए पहला कर लगता था आपका बच्चों कृषि पर, हम इसको खैराज बोलते थे। यह क्या होता था, यह किसानों की उपज का लगभग 50%, यानी कि जितनी आपने फसल उगाई है आधा आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। एक था आपका मवेशियों पर, जितने आपने जानवर रखे, और तीसरा था आपका घरों पर। अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, क्या घरों पर कर आज भी लगता है? तो हाँ, जो देखिए नगर निगम होता है, क्या होता है, जो आपका नगर निगम होता है, नगर निगम क्या करता है बच्चों, ये आपका जो है टैक्स वसूलता है, कर वसूलता है, और आपको टैक्स जमा करना पड़ता है सरकार को नगर का। तो उस समय भी आपका नगर आपका कर लेता था, घर कर था, और वर्तमान समय में भी घरों से कर लिया जाता। तो देखिए ये पुरानी व्यवस्था है जो वर्तमान में भी आपका इंप्लीमेंट है, जिसको हम हाउस टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाउस टैक्स कहते हैं, सरकार लेती है हर साल। देखिए यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से भारी था, और कह रहे जितना ही बड़ा उपमहाद्वीप है इसका बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा था जो दिल्ली सल्तनत के हमेशा जो अधिकार क्षेत्र से बाहर रहा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, कह रहे दिल्ली में बैठे अगर कोई चाहे कि बंगाल में नियंत्रण कर ले, सुदूर प्रांत था, दूर का था वो, तो वहां पर शासन करना कठिन था, ठीक। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरे क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। मान लीजिए हुआ क्या, आपने दक्षिण भारत की विजय कर ली, आपने वहां के शासक को हरा दिया, लेकिन होता क्या था बच्चों, जैसे वो वापस गए फिर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो ऐसी जगह शासन करना कितना कठिन है, अगर वहां प्रॉपर बादशाह रहे, कोई मजबूत सूबेदार रहे, सेनापति रहे, तो कुछ हो सकता है, बाकी तो बड़ा कठिन है ऐसी जगह शासन करना जहां पर राजा के जाने के बाद ही तुरंत क्या हो जाए, आपकी आपका विद्रोह हो जाए और चीजें बदल जाए। तो ये सारी चीजें आपकी होती थी, ठीक है। आगे देखिए, यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं आश्चर्य। देखिए कह रहे कुछ ऐसे क्षेत्र थे मैदानी इलाकों में जो आपके जंगल वाले, जहां पर जो सुल्तान की जो सेना थी वो भी क्या थी, वो सेना असक्षम थी उन जगह वो पैठ करने में, उनमें बैठने में, सैन्य अभियान करने में। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया, और कह रहे जो लोकल आपके सरदार होते थे, सरदार का मतलब है तो ये सरदार नहीं, सरदार का मतलब होता था जो आपके कबीले वाले लोग थे, उस क्षेत्र के जो गांव के लोग थे, या फिर जो कुछ लोग रहते थे जो उनका मुखिया होता था हेड, उसको सरदार कहते थे, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वहां अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। कह रहे कि चाहे आपका अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, मोहम्मद बिन तुगलक रहा हो, इन सारे इलाकों पर उन्होंने भले ही आपका जोर जबरदस्ती से फोर्सफुली वहां कुछ टाइम तक अधिकार कर लिया हो, लेकिन वो अधिकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद उनको फिर क्या होना पड़ा था, ये आपका वो फ्री हो जाते थे, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि वहां जो है या तो दूर वाले क्षेत्र हैं, अगर दूर वाले क्षेत्र नहीं है तो वहां प्रशासनिक पहुंच इतनी अच्छी नहीं है, और वहां के जो लोकल सरदार हैं वो अपने आप को बिल्कुल आपके इंडिपेंडेंट आपको घोषित कर देते थे, अपने आपको स्वतंत्र रूप से, ये सारी चीजें होती थी। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें आया है, सरदार और उनकी किलेबंदी, ठीक।
सरदारों को देखना है और जो उनकी आपका किलेबंदी थी उसको देखना है। देखिए अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री में इब्न बतूता ने बताया है कि सरदान की सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। अब बता रहा है कि कौन थे सरदार और किसने बताया है, अफ्रीका में मोरक्को एक देश है बच्चों, और वहां का एक यात्री था जो कहां आया था भारत, इसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है। और ये जब भारत आया तो इसने भारत में सरदारों के बारे में लिखा कि जो लोकल स्थानीय लोग पर जो सरदार हैं वो कैसे हैं, क्या स्थिति है, उनके विषय में उन्होंने पूरी इसके आपका चर्चा की। देखिए जैसे क्या लिखा है, भारत में बांस पोला नहीं होता, यहां बहुत बड़ा होता है, इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले का प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार में घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं, अंदर ही पानी की उपलब्धता है, अर्थात वहां एकत्र हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल शक्तिशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेना जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किया गया औजार और बांसों से कट जाती थी। यानी कि इस तरह से ये अपनी फील्डिंग लगाते थे, आम भाषा में कहें बच्चों तो, कि उन क्षेत्रों पर पहुंचना, वहां कब्जा करना और उन पर शासन करना, ये बड़ा ही जो था, ये मानिए कि बड़े ही टास्क वाला काम था। कैसा था, बड़ा ही टास्क वाला काम था, ठीक, क्योंकि ये एक बहुत कठिन सा व्यवस्था थी और कठिन ही काम हो रहा था। अब इसी में एक शासक, आपका नाम सुना होगा, शासक तो कह सकते हैं या पर शासक नहीं, आक्रमणकारी था, चंगेज खान, बड़ा फेमस नाम था। अगर आप इस व्यक्ति के बारे में पढ़ें, आप थोड़ी विकिपीडिया से इनकी जानकारी लें या फिर आप थोड़ा स्टोरी पढ़ें तो आपको पता लगेगा चंगेज खान कितना क्रूर था और बिल्कुल बदसूरत व्यक्ति था। और इसने, लेकिन जो उसके काम थे और जो उसकी एक व्यक्तिगत विशेषता होती है उसके दम पर पूरे इतिहास में छाया हुआ रहा ये बंदा। देखिए चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांस अक्सेनिया यानी के आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। सबसे पहला देखिए जो चंगेज खान है वो है मंगोल। अगर आप चाइना में ऊपर का रीजन पड़ता है, मंगोलिया एक कंट्री है, वहां से बिलोंग करता था और इसने ईरान का जो वर्तमान का उज्बेकिस्तान वाला पार्ट है, इसने वहां सबसे पहले अपना अटैक किया और इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। यानी कि उसके बाद उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर भारत, यानी कि दिल्ली, इस टाइम तो नहीं थे, फिर उसके बाद कहां आए, दिल्ली पर। अब देखिए चंगेज खां का डर और तैमूर लंग का डर इतना था दिल्ली के सल्तनत शासकों को कि वो आपका डरते थे कि कुछ भी हो, चंगेज खान का क्या हो, दिल्ली सल्तनत पर हमला ना हो, ऐसे ही निपटा दो। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों ने बड़े धाबे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना रखनी पड़ी। और अब आपको बैन पता लग रहा है एक्चुअल पॉइंट क्या था, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो चाहे आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो, इन्होंने बड़ी सेना क्यों रखी, क्योंकि इनके समय में जो मंगोल आक्रमण थे वो बहुत ज्यादा हो रहे थे, उसके लिए उसने क्या करी, स्थायी सेना रखनी पड़ी। देखिए स्थायी सेना परमानेंट इनके पास रहती थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती आई, क्योंकि आप इतने बड़े अगर आपने स्थायी सेना रखी है तो उसके खाने का, पीने का, रहने का, सैन्य अभियान में जो पैसा खर्च हो रहा उसका, उनका वेतन बहुत बड़े रूप में संभालना पड़ता। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन की भारी चुनौती थी। आइए
देखें कि दोनों सुल्तानों ने ने इस चुनौती को कैसे कैसे सामना किया कि आखिर में जो दोनों सुल्तान थे उन्होंने कैसे इस आपकी जो आपकी चुनौतियां थी इस चुनौती का इन्होंने सामना किया, इस चुनौती का किस प्रकार वो सामना कर रहे थे, इस चुनौती को हम लोग अपने लेक्चर में देखेंगे। एक तरफ है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरी तरफ है मोहम्मद तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक को MBT भी कहते हैं। तो बच्चों फिलहाल तो आप मुझे ये बताइए, जितना हमने अब तक पढ़ा है, एक लेक्चर, दूसरा और ये हमारा तीसरा लेक्चर है, इसके अंतर्गत कोई ऐसी चीज है, इस चैप्टर का कोई ऐसा पहलू, कोई पैराग्राफ ऐसा है, कोई स्टोरी है जो आपको समझ नहीं आई है, ठीक, किसी को आप द्वारा रिवीजन करना चाहते हैं, कोई किसी प्रकार का डाउट या शंका है, तो कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न मुझ तक पहुंचा सकता है, मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकता है। देखिए क्लियर है बच्चों, कोई भी बच्चा, चलिए ध्यान दीजिए। दिल्ली पर दो बार हमले हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात हो रही है कि दिल्ली पर दो बार हमले हुए 1299 और 1300 में, एक हमला यह था और दूसरा था 1302 और 1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना रखी, कैसी रखी थी बच्चों, विशाल और स्थायी सेना। ठीक, मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रशासन प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई, मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने फ्रांस अक्सेनिया पर आक्रमण की जो योजना बना ली थी, एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रमण का कदम था। यानी कि मोहम्मद तुगलक के टाइम में जब उसने आपका स्टार्टिंग में जब अपना शासन करा था तो उसके सल्तनत पर जो हमले हुए थे मंगोल सेना उससे क्या हो गई थी, आपकी परास्त हो गई थी, और मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि अब वो क्या कर सकता है कि वो अब अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर, उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र पर अपना अटैक कर सकता है, और अभी क्या कर सकता है, वो इतना मजबूत और इतना सशक्त अपने आप को समझ रहा था, क्योंकि जिसके पास इतनी बड़ी स्थायी और विशाल सेना हो तो उसके लिए इस तरह के एक सैन्य अभियान कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उस समय स्थायी सेना रखना और बड़े अभियान करना बहुत ही महंगा और बहुत ही खर्चीला था बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरसिन शहर बनाया। अब देखिए उन्होंने क्या करा, सीरी नामक, ध्यान दे थोड़ा सा, क्या बनाया बच्चों ने, सीरी नामक एक नया गैरसिन शहर बनाया। मानचित्र वन में ढूंढो, मैंने बता रखा है, अब आपको खुद ढूंढना है। अब देखिए मोहम्मद तुगलक में आ जाइए, नया गैरसिन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चार शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुन्हा को निवासियों को खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। इसने बढ़िया व्यवस्था करी, इसने बोला भाई जो लोग आपकी पुरानी दिल्ली में रह रहे हैं वो लोग खाली करो, यहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, यहां मेरे को क्या करना है, अपनी सैनिक छावनी बनानी है। होती है सैनिक छावनी, पुराने शहरों के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया, यानी कि उसने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया दिल्ली से दौलताबाद, अब अपनी राजधानी को ले गया मोहम्मद बिन तुगलक, और दौलताबाद से जब लोग शिफ्ट हुए तो वहां खाली हो गया और वहां क्या कर दिया, अपनी सैन्य छावनी बना दी। कि जब दौलताबाद, अब क्या होगा, दिल्ली पहले क्या था, सेंटर में था, अटैक सारे दिल्ली पे होते थे, उसने कहा जब सुल्तान, जो सुल्तान है, जो सल्तनत है, जो हेड है वो दिल्ली में बैठेगा ही नहीं तो अटैक दिल्ली में नहीं होंगे, तो राजधानी अपनी दौलताबाद ले गया, और दौलताबाद ले गया और वहां उसने अपनी छावनी बना दी। बोला अगर कोई मुझ पर अटैक भी करता है तो होकर दिल्ली से गुजरना पड़ेगा और दिल्ली में मेरी विशाल सेना रहेगी, मुझसे कोई जीत ही नहीं पाएगा। इस तरह की उसने अपना विचार बनाया और शायद वो उस चीज में सफल रहा नहीं रहा, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जब उसने सैन्य छावनी बनाई, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ट्रांसफर की, तो कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, कितने लोग बेघर हो गए, और ऐसा बोलते हैं इतिहास में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को लोग गाली भरे पत्र लिखकर भेजते थे,
इसने जितने भी चीजें करी हैं ये हमेशा जो उसका रिजल्ट है पॉजिटिव की जगह हमेशा निगेटिव आया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे और पढ़ोगे तो ये दिखाई देगा कि ये किस्मत का मारा आपका बादशाह था, इसने जो भी अभियान चलाया वो चला ही नहीं, चाहे इसका आपका खुरासान अभियान हो, चाहे इसका कुमाऊं गढ़वाल का अभियान हो जीतने के लिए, चाहे इन्हें कांगड़ा पर आपका अटैक करने के लिए चला हो, चाहे ये गैरसिन शहरों पर जो अब मंगोल पर अटैक करने की योजना बना रहा हो, कहीं भी ये सफल नहीं रहा। और चाहे इसने राजधानी क्यों ना बदली हो, और इसने एक नियम और बनाया था, इसने अपनी मुद्रा परिवर्तन किया था। उस मुद्रा परिवर्तन से ही क्या हुआ, लोगों ने पूरा व्यवस्था ही पलट गई और इसका राज्य पूरा चरमरा गया। और अंतिम तय ये क्या हो जाता है जब ये मरता है, तो इसके विषय में लिखते हैं कि राजा को जनता से, जनता को शासक से क्या हो गई, आपकी मुक्ति मिल गई। इसके विषय में लिखते हैं इतिहासकार। आइए, हम लोगों को इतना नहीं जाना है लेकिन जो हम व्यवस्था पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी कर हल किया। अब ये क्या कर रहा था कि जो मैंने इतनी बड़ी वो आपकी सेना रखी है, अब उसका पेट भरने की एक समस्या है, उसको मैं खाना कहाँ से दूंगा। तो गंगा यमुना का जो दोआब रीजन है, यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है आज भी और पहले भी, तो वहां से क्या करूंगा, मैं टैक्स लूंगा और उस टैक्स से क्या करूंगा, मैं सारी चीजें इकट्ठा करूंगा और मेरा सैनिकों का खाने का काम वहां से निकल जाएगा। ये उसकी प्लानिंग थी। किसानों की पैदावार का 50% कर के तौर पर तय किया गया, यानी कि 50% कर किसको देना पड़ेगा, बादशाह को देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके यहां 100 kg गेहूं हुआ है तो 50 kg बादशाह का, 50 kg आपका। और वो कहां जा रहा था, सैनिकों का पेट भरने के लिए, उनके वेतन के रूप में। उधर अगर हम देखें मोहम्मद आपके तुगलक को, सेना को खिलाने के लिए उसकी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा कर लिया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या के जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान के अतिरिक्त कर भी लगाए। अब वो सोचा था कि जितने उसके पास पड़ोस के क्षेत्र हैं वहां से जितना खाद्यान्न उसको इकट्ठा कर लूंगा, और मैं क्या कर लूंगा कि इसके अतिरिक्त मैं आपका वो टैक्स लगा दूंगा। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अब देखिए मुसीबत क्या है, मैं क्या बता रहा था कि इसने क्या काम करा कि अपनी सेना स्थायी करने के लिए, सेना बड़ी बनाने के लिए इसने आपका कर लगा दिया, और जब कर लगाया तो उस साल ही क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब होता सूखा, फसल बर्बाद हो गई। और फसल बर्बाद हुई तो इसने जो उसके आपका राजस्व वसूलने वाले अधिकारी थे उनको टाइट किया कि मेरे को तो कर चाहिए। अब उन्होंने जनता से जबरन कर वसूला, तो इसके कारण ये क्या हो गया, जनता में आपिर रहे हो गए। तो इसने काम अच्छे करने की कोशिश की थी लेकिन जो किस्मत थी वो हमेशा विपरीत चल रही थी इसके। और अलाउद्दीन खिलजी की किस्मत बहुत बुलंद थी कि जिस तरफ भी जा रहा था इससे हमेशा विजय का ही रास्ता प्रशस्त हो रहा था बच्चों, और विजय का ही मार्ग आपका खुल रहा। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक के विषय में पढ़ा कि वो लोग आपका किस प्रकार से एक बहुत बड़ी विशाल सेना बाप के रख पा रहे थे, क्या उनकी योजना थी, वो किस प्रकार से अपना मैनेजमेंट कर रहे थे, इन सब चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा कि वो इतनी बड़ी विशाल सेना क्यों रख रहे थे, कैसा उसका मैनेजमेंट था, क्या जनता पर और किस प्रकार से शासन पर उसका प्रभाव पड़ रहा था, उन सबको हम लोगों ने पढ़ा और देखा और समझा। तो बच्चों मैं ये उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों को लेक्चर बहुत अच्छे से आपका समझ आया होगा। इसके बीच अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमारे लेक्चर के प्रारंभ में, बीच में और अंतिम में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।